हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीशो कुर्तिया हॉल, क्योंकि मीशो से मैंने कुछ काफी अच्छी कुर्तियां परचेज की हैं, तो आज उसका हॉल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्तियां दिखा देती हूँ। तो मैं 5 कुर्तियां परचेज की हैं। ये कुर्ती आप वेडिंग में भी वेयर कर सकते हो, कैजुअल तरह भी वेयर कर सकते हो, या कुछ फेस्टिवल भी आने वाले हो, कुछ फंक्शन होते हैं तो उस टाइम भी वेयर कर सकते हो, वैसे ये कुर्तियां है। और समर के सीजन में आप वेयर कर सकते हो, वैसे मैंने कुर्तियां परचेज की है। तो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट वाली कुर्ती मैं आपको ये ब्लू कलर की दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की है, राउंड वाला उसका नेक बनाया है और उसके स्लीव्स है इस तरह के 3/4 टाइप की है। स्लीव्स में आप देख सकते हो कितनी अच्छी प्रिंट की है, प्रिंट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। प्रिंट अच्छी है, डिफरेंट टाइप की प्रिंट रखी है उन्होंने। और फ्रंट में आपको कुछ इस तरह से लुक मिल जाएगा। ये पूरा लेस रखा है उन्होंने इस तरह से, गोल्डन वाला पाइपिंग जैसा किया है। और आपको ये बटन भी मिल जाएंगे। तो ये बटन आप ओपन नहीं कर सकते, इस तरह से सिर्फ शो पीस के उन्होंने स्टिच किए, जो वुड के बटन है इस तरह से। फ्रंट में आपको इस तरह से मिल जाएगा डिजाइन। और नीचे से आपको पूरी कुर्ती में इस तरह से डॉट वाली डिजाइन मिल जाएगी, ट्रायंगल टाइप की इस तरह से। ये कुर्ती फुल लॉन्ग है, अनारकली टाइप की कुर्ती है। इस तरह से नीचे से आपको डिजाइन मिल जाएगी। नीचे से आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह से फुल घेर वाली कुर्ती है, फुल लॉन्ग है और उसका फैब्रिक भी बहुत ही कंफर्टेबल है। ये कुर्ती आप वेडिंग में भी वेयर कर सकते हो, बहुत ही पार्टी वेयर है। और ये उसका जो नीचे से जो डिजाइन किया है, बड़ी वाली ये डिजाइन है, उसका लुक बहुत ही अच्छा सा आता है। इस तरह से आपको डिजाइन जो नीचे रखी है उन्होंने, वो बॉर्डर पूरी बहुत ही अच्छी आती है और उसका घेर बहुत ही बड़ा बनता है। ये वेडिंग में, फेस्टिवल में वेयर कर सकते हो, वैसी पार्टी वेयर कुर्ती है। फैब्रिक भी बहुत ही अच्छे कॉटन जैसे रेयन टाइप का फैब्रिक है उसका, जो समर के सीजन में भी आप वेयर कर सकते हो वैसा उसका फैब्रिक है। और कंफर्टेबल है, एकदम स्मूथ उसका फैब्रिक है, अच्छी तरह से फिट हो जाती है। मुझे कुर्ती बहुत ही अच्छी लगी, कंफर्टेबल है। मैंने वेयर किया था तो मुझे समझ में आया कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाली कुर्ती है और प्रिंट की भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरी कुर्ती में इस तरह के प्रिंट आपको मिल जाएगी, लेकिन ये आफ्टर वॉश के बाद भी नहीं निकलेगी, वैसे उसकी प्रिंट है। मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं निकल रही, वैसी अच्छी क्वालिटी वाले उन्होंने प्रिंट रखी है। और प्राइस तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, मैं साइड में डाल दूँ कि मीशो में बहुत ही कम रेंज में अच्छी क्वालिटी वाली कुर्तियां मिल जाती है। तो साइड में मैं प्राइस डाल दूंगी तो आप लोग जरूर देख लें कितनी कम प्राइस में मुझे कुर्तियां मिली हैं। और वैसे भी ये कुर्तियां फ्लिपकार्ट मिंत्रा में लेती हूँ तो बहुत ही प्राइस ज्यादा लगती है, और मीशो में इससे भी कम प्राइस में मिल जाती है कुर्तियां, जिसके लिए मुझे मीशो कभी कभी कुर्तियां परचेज करना अच्छा लगता है। और इसका फैब्रिक बहुत ही कम्फर्टेबल है, तो समर के सीजन में आप कम्फर्टेबल वेयर कर सकते हो, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। वैसे इसका फैब्रिक है, वेयर करने में बहुत ही पार्टी वेयर क्लासिकल टाइप का लुक लगता है। और इसका कोड आता है मीशो में, ऑलमोस्ट लिंक नहीं आती, कोड आता है तो मैंने उसका कोड नीचे डाल दिया है। अगर आपको परचेज करना तो परचेज कर सकते हो, मीशो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जो मैंने नीचे कोड डाला है वो कोड आप सर्च में डालोगे तो अपने आपको कुर्ती मिल जाएगी, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से भी आप परचेज कर सकते हो, मीशो में अच्छी कम रेंज में अच्छी क्वालिटी आपको कुर्तियां मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट मैंने कुर्ती परचेज की थी, ये कुछ इस तरह की है, ग्रीन कलर की। तो ये कुर्ती राउंड वाला उसका नेक बनाया है इस तरह से, और आपको इस तरह से गोल्डन कलर के प्रिंट मिल जाएगी फ्रंट में। और उसके स्लीव्स है 3/4 टाइप के स्लीव्स है, यहाँ भी उन्होंने इस तरह से थोड़ी सी बॉर्डर रखी है रेड कलर की। और नीचे से आपको इस तरह से टैसल मिल जाएंगे 3, और फ्रंट में आपको रेड कलर का दूसरा कपड़ा उन्होंने अटैच किया है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने ऊपर कोटी वेयर किया है और नीचे मैंने स्कर्ट वेयर किया है, वैसा लुक लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने इस तरह से दूसरा कपड़ा ऐसे अटैच किया है अंदर से, इस तरह से ऐसा पूरा लुक बन जाता है जैसे मैंने कुछ कोटी वेयर किया है। नीचे से आपको इस तरह से प्रिंट मिल जाएगी, प्रिंट की क्वालिटी देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल प्रिंट रखी है उन्होंने, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली प्रिंट है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं निकल रहा है, वैसे अच्छी क्वालिटी वाली प्रिंट है। आफ्टर वॉश के बाद मुझे नहीं लगता है कुछ इतना जल्दी प्रिंट निकलेगा, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। और कलर भी ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन किया है, गोल्डन कलर की जो प्रिंट बनाई है, तो ये पूरी पार्टी वेयर कुर्ती लगती है। और बहुत अच्छा से स्टाइलिश टाइप का लुक उन्होंने दिया है, इस तरह से मैं वेयर करूंगी तो आपको आइडिया आ जाएगा। और नीचे से थोड़ा सा घेर भी बनता है, ऐसा नहीं है कि पूरी स्ट्रेट कुर्ती है, थोड़ी सी घेर वाली है। लेंथ भी बहुत ही बड़ी दी है उन्होंने, पूरी लेंथ वाली है और नीचे से इस तरह से घेर वाली है, इस तरह से नीचे से घेर वाली है और पूरी लेंथ
लॉन्ग कुर्ती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास कुछ वेडिंग है, कुछ फंक्शन है, तो हाईली रिकमेंड करूंगी। समर के सीजन में वेयर कर सकते हो, कंफर्टेबल रह सकते हो और पार्टी वेयर जैसा भी लगे कुर्ती, वैसी ये कुर्ती है। तो अगर आपको परचेज करना हो तो ये कुर्ती जरूर परचेज कर सकते हो, क्योंकि उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। समर के सीजन के लिए ऐसी कुर्तियां बहुत अच्छी लगती है, कुछ हैवी सी लुक भी देता है और बिल्कुल ऐसे गर्मी भी नहीं लगती, कंफर्टेबल रह सकते हो, वैसी ये कुर्ती है। और उसकी प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मैं साइड में स्क्रीन डाल दूंगी तो आप लोग देख लेना, और इसका भी कोड आता है मैं नीचे डाल दिया है। अगर आपको परचेज करना तो परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली कुर्ती है। उसका फैब्रिक रेयन टाइप का फैब्रिक है, पर बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, वैसा उसका फैब्रिक है, कंफर्टेबल कुर्ती है। और ये जो नीचे उन्होंने जो प्रिंट रखा है उसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आता है, लॉन्ग है और उसका घेर बहुत अच्छा बनता है, बीच में जो मरून कलर का पट्टा आता है, ऊपर जैसे कोटी वेयर किया है वैसा पूरा स्टाइलिश टाइप का लुक दिखता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाली कुर्ती है। फिर नेक्स्ट मैंने कुर्ती परचेज की है, ये ब्राउन कलर की। ये कुर्ती मुझे कब से परचेज करना था, तो इस बार मुझे मीशो में दिख गई है, तो मैंने सोचा चलो ये कुर्ती परचेज कर दी, क्योंकि ये कुर्ती का कलर भी बहुत अच्छा है और इसका जो घेर है बहुत ही बड़ा घेर वाला है, तो इसका राउंड वाला कुछ इस तरह से फ्रंट में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा इस तरह का उसका नेक बोट टाइप का मिल जाएगा। और उसकी स्लीव्स है, फुल स्लीव्स है, बट इस तरह से प्रिंट मिल जाती है गोल्डन एंड व्हाइट कलर की, ब्यूटीफुल लगती है, पूरी फुल स्लीव्स वाली कुर्ती है। और बैक साइड आपको इस तरह से लेस भी मिल जाएगी, अगर आपको लगता है नेक बहुत डीप है कुछ ऐसा है तो आप इस तरह से गार्ड लेस भी लगा सकते हो। और नीचे से आपको इस तरह से पूरी कुर्ती में आपको प्रिंट मिल जाएगी, सेम इस तरह से प्रिंट मिलेगी इस तरह से, और नीचे से आपको ऐसे प्रिंट मिल जाएगी गोल्डन कलर की, व्हाइट कलर की। घेर तो बहुत ही बड़ा उसका घेर बनता है, फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, ऐसा ब्राउन कलर है कुर्ती का, मैंने कभी ब्राउन कलर की कुर्ती नहीं वेयर किया था, मैंने सोचा इस बार मैं ब्राउन कलर की कुर्ती परचेज करती हूँ। कलर बहुत अच्छा है, वेयर करने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और एक पार्टी वेयर वेडिंग में वेयर कर सकते हो, वैसी एक कुर्ती है, क्योंकि उसका प्रिंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, अच्छी क्वालिटी वाली है, बिल्कुल आफ्टर वॉश के वेयर नहीं निकलेगी, वैसी अच्छी क्वालिटी वाली प्रिंट लगी मुझे, इससे जल्दी नहीं निकलेगी, देख सकते हो क्वालिटी बहुत ही ब्यूटीफुल रखी है उन्होंने। और ये कुर्ती का जो फैब्रिक है, समर के सीजन में वेयर कर सकते हो, वैसा उसका फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक, रेयन या आई नो रेयन या कॉटन मिक्स, वैसा उसका फैब्रिक है, बट बहुत ही कंफर्टेबल है। और उसका घेर बहुत ही बड़ा घेर बनता है, नीचे से आप मैं दिखाती हूँ इतना बड़ा उन्होंने घेर रखा है ना, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे से बहुत ही फुल साइज का उसका घेर बनाया है इस तरह से। उसकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छी ब्रांड वाली लगती है कुर्ती, और इसकी प्राइस भी अफोर्डेबल प्राइस में, मैं साइड में प्राइस डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हो कितनी अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी वाली कुर्ती है। मीशो में मुझे इसलिए कुर्तियां परचेज करना अच्छा लगता है, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी वाली कुर्तियां मिल जाती है, और उसका फैब्रिक कंफर्टेबल है, स्मूथ उसका फैब्रिक है, और गर्मी के सीजन में वेयर कर सकते हो, अगर वेडिंग है कुछ फंक्शन है तो आसानी से पूरा दिन वेयर कर सकते हो, वैसे उसकी क्वालिटी है। इसका भी कोड आपको नीचे मिल जाएगा। और उसकी साइज मैंने एल साइज लिया है, मेरी साइज के हिसाब से मैंने एल लिया है, इसमें एल या एक्सएल तक आपको मिल जाएगा, वैसी उसकी साइज आपको मिल जाएगी। लेकिन कुर्ती बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपको परचेज करें तो परचेज कर सकते हैं, कुछ फंक्शन है कुछ वेडिंग है तो इस तरह के ब्राउन कलर कुछ अलग लगता है, पूरा दिन हम सभी कलर वेयर करते हैं लेकिन इसे ब्राउन कलर की कुर्तियां कभी मैंने वेयर नहीं की थी, इसलिए फर्स्ट टाइम मैंने ब्राउन कलर की कुर्ती परचेज की है, अच्छी क्वालिटी वाली कुर्ती है। फिर नेक्स्ट मैंने कुर्ती ब्लैक कलर की परचेज की थी, क्योंकि कुर्ती मुझे दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी तो इसलिए मैंने परचेज कर ली थी। ये कुर्ती का नेक कुछ इस तरह से नेक बनाया है, और उसकी स्लीव्स हैं इस तरह से, फुल स्लीव्स हैं। आपको ये कुर्ती में इस तरह से दूसरा कपड़ा भी मिल जाएगा, कलर जो मिल जाएगा इस तरह से कुर्ती में ऑरेंज कलर मिल जाएगा, पूरी कुर्ती आपको ब्लैक में मिल जाएगी, प्लेन इस तरह से पूरी कुर्ती प्लेन है, फ्रंट में भी आप देख सकते हैं उसकी पूरी प्लेन है, नीचे से भी आपको पूरी प्लेन मिल जाएगी, बट नीचे से इस तरह से बॉर्डर दिया है, ऑरेंज ग्रीन और क्रीम कलर का बॉर्डर बनाया है इस तरह से। ये पूरी कुर्ती मैं आपको वेयर करके दिखा दूंगी तो आपको समझ आए, पूरी प्लेन है बट उसके स्लीव्स में और नीचे आपको बॉर्डर मिल जाती है। ये कुर्ती वेयर करने में अच्छी लगती है क्योंकि पूरा ब्लैक है और बॉर्डर इस तरह से ऑरेंज बड़ा वाला पट्टा ऐसे मिल जाता है तो उसकी लुक अच्छा ही आता है। लेकिन ये कुर्ती रेयन टाइप की है बट रेयन में जॉर्जेट फैब्रिक आता है, वैसा उसका फैब्रिक है, थोड़ा सा गर्मी आपको लग सकता है समर के सीजन में क्योंकि इसके अंदर लाइन भी दिया है उन्होंने इस तरह से,
रेयन फैब्रिक का, उन्होंने इस तरह से ब्लैक कलर का लाइन भी दिया है, तो ब्लैक कलर है। वैसे तो ब्लैक कलर समर के सीजन में वेयर कर तो गर्मी लगता है ये, और थोड़ा सा रेयन भी है और जॉर्जेट टाइप का उसका फैब्रिक है। और बैक साइड आपको इस तरह से लेस मिल जाएगी, मिल जाएगा जो नेक उन्होंने बैक साइड बनाया है, तो स्क्वायर वाला रखा है और दो उन्होंने लेस बनाई है, तो इस तरह से आपको दो लेस लगानी है, तो पूरा लुक बैक साइड अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। और पूरी कुर्ती से प्लेन है, जिसमें आप बहुत अच्छे बड़े वाले इयररिंग्स वेयर करोगे, सिंपल कुछ सिल्वर कलर की ज्वेलरी वेयर करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा, मतलब स्टाइलिश टाइप का लुक हो जाएगी। वेडिंग में भी वेयर कर सकते हो क्योंकि उसका गेयर बहुत ही अच्छा बनता है। फुल लॉन्ग वाली कुर्ती है, बिल्कुल नीचे से आपको पूरी लॉन्ग कुर्ती है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा शॉर्ट कुर्ती है, फुल साइज की है, लॉन्ग कुर्ती है और बहुत ही बड़ा गेयर रखा है। इसके अंदर आपको लाइन भी मिल जाएगी और उसका फैब्रिक थोड़ा सा जॉर्जेट है, तो गर्मी लगेगी क्योंकि समर सीजन चल रहा है, लेकिन वेडिंग में अगर वेयर करना है तो वेयर कर सकते हो। स्टाइलिश टाइप का लुक लगता है, क्लासिकल लगता है, क्योंकि जो बेल्ट टाइप का उन्होंने दिया है, इस तरह से बॉर्डर दिया है ऑरेंज कलर का, तो उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। कुर्ती का कोड मैं नीचे डाल दूंगी, अगर आपको परचेज करना तो परचेज कर सकते हो। साइड में स्क्रीन डालू कितने मुझे आए थे आप लोग देख लेना, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में मीशो में ऑलमोस्ट कुर्ती होती है, तो कम रेंज में पर अच्छी क्वालिटी पर फुल गेयर वाली कुर्ती है, मुझे ये पसंद आ गई, क्योंकि रेंज उसकी प्राइस के हिसाब से बहुत ही फुल साइज गेयर रखा है और लाइन भी इतना बड़ा वाला लॉन्ग टाइप का उसका लाइन भी रखा है, तो प्राइस के हिसाब से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि फैब्रिक उन्होंने कितना सारा यूज किया है, पूरा लॉन्ग है और उसकी लाइन भी बहुत सारी ऊपर से नीचे से तक उन्होंने लाइन रखी है, बनाई है यहाँ से और इस तरह से घेर वाली है। क्वालिटी अगर आपको गर्मी में कुछ जल्दी नहीं लगती तो जरूर परचेज कर सकते हो, मैंने उसका कोड नीचे डाल दिया है। नेक्स्ट कुर्ती कुछ इस तरह के लाइट पिंक कलर की, इसका नेक है कुछ इस तरह से छोटा वाला, उन्होंने फ्रंट में वी बनाया है, वी टाइप का थोड़ा सा नेक लगता है, थोड़ा सा राउंड में इस तरह से, और उसके स्लीव्स है थ्री फोर्थ टाइप की। इस कुर्ती में आपको ऐसा लगेगा प्रिंट देखिए जैसे एम्ब्रॉयडरी किया है, बट बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी नहीं है, आप देख सकते हो एकदम नजदीक से, ये पूरी प्रिंट है, इस तरह से लाइट व्हाइट कलर के प्रिंट रखी है उन्होंने, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और ये कुर्ती में भी इस तरह से बहुत ही बड़ा नीचे से फ्लोर मिल जाता है, कुर्ती का घेर भी बहुत ही बड़ा है, इस तरह से आपको नीचे भी प्रिंट मिल जाएगी व्हाइट कलर की, और इसका घेर भी आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा घेर रखा है उन्होंने, और ये कलर भी लाइट पिंक है, तो इस तरह ये कुर्ती आप समर के सीजन में अच्छा सा कलर रहता है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है, और लाइट कलर समर के सीजन में वेयर करो तो पूरा दिन कंफर्टेबल रहो, कि कैजुअल तरह भी वेयर कर सकते हो, कुछ छोटे मोटे फंक्शन हो तो उस टाइम भी वेयर कर सकते हो, वैसा ही पार्टी वेयर जैसे कुर्ती है, क्लासिकल टाइप की कुर्ती है, तो बहुत ही कंफर्टेबल है। ये कॉटन उसका फैब्रिक है, तो कॉटन फैब्रिक समर के सीजन में वेयर करना बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, कैजुअल तरह भी वेयर कर सकते हो, अगर आप ऑफिस जाते हो तो उस टाइम भी वेयर कर सकते हो, या कुछ फेस्टिवल भी आने वाले तो उस टाइम भी वेयर कर सकते हो, कुछ फंक्शन होती है हमारे घर में छोटे मोटे तो उस टाइम भी वेयर कर सकते हो। वैसे ये कुर्ती है बहुत ही स्टाइलिश टाइप की, कलर भी बहुत ही ब्यूटीफुल है और समर के सीजन के लिए बेस्ट कुर्ती है ये। इसका भी कोड मैं नीचे डाल दूंगी और उसकी प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में साइड में डाल दूंगी, प्राइस आप देख सकते हो, बहुत ही कम रेंज में कुर्ती मिल जाती थी, तो हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आपको गर्मी वर्मी कुछ लगती है, कुछ ऐसे हल्का फुल्का कपड़ा वेयर करना है जो बिल्कुल गर्मी लगे, तो ये कुर्ती भी परचेज कर सकते हो, बहुत ही कम्फर्टेबल एकदम स्मूथ उसका फैब्रिक है। तो मीशो से मैंने कुछ इतनी कुर्तियां परचेज की थी जो वेडिंग में फेस्टिवल में और कुछ कैजुअल तरह भी वेयर कर सकते हो, वैसी ये कुर्तियां थी, समर के सीजन के लिए बेस्ट कुर्तियां थी, बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, कंफर्टेबल वेयर कर सकते हो, वैसी ये कुर्तियां थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दो, बाजू में बेल बटन उसको भी क्लिक कर दो, तो सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, क्योंकि जो भी यूट्यूब में वीडियो आने वाला होता है तो सबसे पहले मैं पोस्ट इंस्टाग्राम में करती हूँ, प्लीज फॉलो माई इंस्टाग्राम, वहां भी आपको काफी अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएगी। और ये आपको कलेक्शन कुर्तियों का अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा आपको वीडियो, कौन सा वीडियो आपको देखना पसंद करती हो, और अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली को शेयर करना। तो मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, बाय।